देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 11,439 हुई। अब तक 377 लोगों की मौत हुई। साउथ कोरिया पीछे छूटा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइंस जारी की। बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी हुआ। थूकने पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश। लॉकडाउन बढ़ने से रेलवे रद्द करेगा तकरीबन 40 लाख टिकट। रेल मंत्रालय ने कहा 3 मई तक विशेष ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और मेट्रो सेवा भी पूरी तरह बंद। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में बिजली मिस्त्री, बढ़ई, मोटर मैकेनिक और प्लंबर जैसे लोगों को काम करने की इजाजत दी। मनरेगा के तहत भी काम करने की छूट मिली। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल का 30 स्टाफ क्वारंटाइन में गया। दिल्ली में अब तक 55 इलाके सील। बांद्रा में मजदूरों को जुटाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई पुलिस का दावा, प्रवासी मजदूरों को घर नहीं भेजने पर आरोपी शख्स ने प्रदर्शन की धमकी दी थी। धारावी में 5 नए मरीज मिले। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद कोरोना संक्रमित पाए गए कांग्रेस विधायक। मुख्यमंत्री कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल। मेघालय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हुई। उत्तर पूर्व के राज्यों में कोरोना की चुनौती बढ़ी। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक संकट के दौर में। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ बोली, कोरोना संकट से अगले 2 साल में विश्व की GDP का 9 खरब डॉलर बर्बाद होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन परस्त करार दे चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO का फंड रोका। कहा संगठन संक्रमण को रोकने में बुनियादी काम करने में भी नाकाम रहा। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हुई। अब तक 1,26,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में अब तक 26,000 की मौत।